अटल जी साहब, हमारी इन माताओं बहनों को आप देखिए। नहीं चलता, 2000 में क्या आता है? सरकार खुद बताए हमें कि 2000 में कितना कुछ आता है। की मांग रहेगी, एक तो इनको सैलरी इनकी होनी चाहिए, उसके साथ साथ जो इंसेंटिव का रेट है उसको रिवाइव किया जाना चाहिए। ये सबसे पहले मीडिया कर्मी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसे कि बाहर के स्टेटों में, जैसे हरियाणा हो, MP हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, हर जगह इनकी सैलरी जो है 4000 से 5000, 6000, 7000 बढ़ी है, और रिटायरमेंट के बाद 2 लाख रुपए इनको देने का वादा किया है। वैसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर अनदेखा जो इनको किया जा रहा है, और बोला जाता है कि जो जम्मू कश्मीर है वो हिंदुस्तान का ताज है, हिंदुस्तान का अटूट अंग है। अगर इस अंग को आपने एक सर का ताज बनाया है तो किस तरीके से इसको अनदेखा किया जा रहा है? अगर बाहर की स्टेटों में इनके साथ अगर भेदभाव नहीं तो जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों? अगर जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप ऐसा करेंगे तो आशा वर्कर जो हमारी आज बेचारी 2000 इंसेंटिव ले रही हैं, वो ना ही उनको इसमें मतलब कि गुजारा है, ना ही उनको ये चाहिए। अगर आप लोगों ने उनको 24-24 घंटे काम करवा के फिर से उनको 2000 की एक इंसेंटिव एक टिप के रूप में उनको देनी है तो हमें भी बर्दाश्त नहीं, ना ही हमारे संगठन को, ना ही हमारे संघ को। और मैं कहना चाहता हूँ आज आपके प्रेस वार्ता के माध्यम के थ्रू कि आने वाले दिनों में इनकी जो रैली है वो हमारे संगठन के अपने सहयोग से, जहाँ और भी हमारे भाई बंधु जहाँ हमारे संगठन जो उनका सहयोग दे रहे हैं उनके समर्थन में आके हम बहुत बड़ी रैली का एक आगाज़ करेंगे। जबकि आज हमारी कुछ बहनें जो ट्रैफिक जाम होने की वजह से दूर दराज एरिया के आने से वजह से प्रॉपर टाइम पे नहीं पहुंच पाई, लेकिन अभी वो पहुंचने वाली है, जिसके चलते आज हमारी मीटिंग होगी और दिन और डेट डिसाइड होगी कि किस दिन हम जम्मू कश्मीर के अंदर रैली निकालेंगे। और रैली निकाल के हमारे प्रशासन को ये बताना है कि आप लोग अगर जम्मू कश्मीर को अपना समझते हैं, अपने आप को बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा ताज है, तो वैसा ही ताज संवार के रखें जैसे बाहर की चिट्ठों से जाकर रखा है। और हमारे कुछ नेता जो हार पहनाने के लिए बड़े बड़े सेमिनारों में जाते हैं लेकिन इनकी बातें सुनने के लिए इनके पास नहीं आते, हमारे स्थायी कर्मचारी डेली विजर बैठे हैं उनके पास नहीं जाते, उनको शर्म आनी चाहिए कि कम से कम यार उनके पास तो आओ। आप बड़े बड़े सेमिनारों में, फंक्शनों में चले जाते हो हार पहनाने के लिए, अपना मालाएं पहनाने के लिए, तो उनके पास भी हैं जो जम्मू कश्मीर के लोग हमारे बेचारे सड़कों पर हैं, रोडों पर हैं, दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके पास भी आए। और LG साहब, हमारी इन माताओं बहनों को आप देखिए, नहीं तो जल्द से जल्द जो है इसके ऊपर जो है कड़ी रोडों के अंदर जो है ऐसी रैली का आगाज होगा जो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी पॉलिटिकल हालात जो है ये काफ़ी बिगड़ने की जो है हम लोग मतलब कि सोचेंगे कि किस तरीके से आपने इनसे वोट लेके इनको रोडों पे रखा और खुद आप कुर्सियों पे अंदर दफ्तरों में बैठे हैं। देखिए, राष्ट्रीय हिंदू संघ ने अपनी आवाज़ इसके लिए एक मेमोरेंडम भी तैयार किया है कि जो कि हम सेंटर में भी देंगे और आगाज़ इसका करेंगे एक प्रोटेस्ट से, और प्रोटेस्ट के लिए आज मीटिंग रखी गई है, मीटिंग होगी। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए, आशा जो है इन लोगों को सेंटर में भी सम्मानित किया गया था और कोविड वॉरियर का नाम दिया गया था, तो कोविड वॉरियर्स की ये हालात हैं जिनको सिर्फ इंसेंटिव दिया जाता है और सैलरी के नाम पे कुछ नहीं दिया जाता है। तो हमारी यही मांग रहेगी, एक तो इनको सैलरी इनकी होनी चाहिए, उसके साथ साथ जो इंसेंटिव का रेट है उसको रिवाइव किया जाना चाहिए। सुहांजना की, हम यही चाहते हैं कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए, हमारी पे नहीं है, 2000 देते हैं और 2000 से हमारा कुछ नहीं बनता है, तो हमारा हक गवर्नमेंट हमें दे। और नहीं चलता, 2000 में क्या आता है? सरकार खुद बताए हमें कि 2000 में कितना कुछ आता है। हमारे बच्चे हैं घर में, सब कुछ छोड़ के 24 घंटे ड्यूटी देते हैं और हमारी सैलरी नहीं है, 2000 देते हैं, 2000 में हमारा कुछ नहीं बनता है, बहुत दूर जाना पड़ता है, 2000 जो किराया ही होता है।